सो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चक्रव्यूह गेम के बारे में। सो गाइस, काफ़ी बढ़िया स्टोरी बेस्ड गेम है जिसको डेवलप किया है सोरीश बासू सर ने। सो गाइस, इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस गेम के रिगार्डिंग। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह इंडियन गेम्स को प्रमोट करते ही रहते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो गाइस, चक्रव्यूह एक सिंगल प्लेयर स्टोरी बेस्ड गेम है जो हमारे इंडियन कल्चर पर बेस्ड है। एंड गाइस, एक थर्ड पर्सन गेम है एंड इसकी स्टोरी एंशियंट इंडिया पे सेट है। वैसे तो इसकी स्टोरी फिक्शनल है और हमारे जो हिंदू हिस्ट्री से ली नहीं गई है, लेकिन उससे सिमिलर, हिंदू हिस्ट्री से सिमिलर गेम है ये। जैसे कि आपको इस गेम के अंदर अश्वमेध यज्ञ, ब्रह्मास्त्र, सूर्य मंदिर और काफ़ी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो हमारे हिंदू कल्चर से रिलेटेबल है। एंड इस गेम का मेन सेलिंग पॉइंट है बॉस फाइट। इस गेम की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि एक राजा के किंगडम पर कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया था और वो किंगडम अब उनके कब्जे में है, लेकिन उनकी जो राजा की बेटी होती है जो प्रिंसेस है और वो हमारी गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट भी है, जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको अपने किंगडम को फ्री करवाना होता है डीमन से। तो उसी फाइट के ऊपर ये गेम बेस्ड है और ये काफ़ी बढ़िया स्टोरी बेस्ड गेम है। इस गेम को ग्राफिक टाइम के साथ इम्प्रूव होते ही जा रहे हैं। ये गेम गॉडॉट इंजन ने बनाया है जो काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है धीरे धीरे यूनिटी और अनरियल के बाद। एंड गाइस, सच में इस गेम की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है। अभी तक इस गेम की गेम से पहले की स्टोरी रिवल हुई है, अभी इन गेम स्टोरी कुछ भी रिवल नहीं हुआ है। एंड हाँ, इसका एक डेमो वर्जन आया था लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा कम सपोर्ट दिखाया आपने, तो उस गेम को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड जो इस गेम के डेवलपर सोरीश बासू हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड गेम डेवलपर हैं और वो चक्रव्यूह के अलावा काफ़ी सारे अमेजिंग गेमिंग स्टफ पे काम करते रहते हैं। और इनका एक और गेमिंग प्रोजेक्ट है व्योम, और हाल ही में उसका नाम भी चेंज हो चुका है। एंड इस गेम के डेवलपर को जरूर सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी ब्रिलियंट गेम डेवलपर हैं। एंड गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड इस गेम को जरूर सपोर्ट कीजिएगा ताकि फ्यूचर में ऐसे ही हमारे हिंदू कल्चर से रिगार्डिंग गेम आती रहें। मैं काफ़ी खुश हूँ कि ये हमारे हिंदू कल्चर पर सेट गेम है। एंड गाइस, ये गेम पीसी के लिए आएगा, लेकिन अगर इस गेम को सपोर्ट मिलता है तो उस गेम के डेवलपर का कहना है कि ये इस गेम को जरूर एंड्रॉयड के लिए लाएंगे। और इस गेम की रिलीज डेट अभी कुछ पक्की नहीं है, लेकिन इस साल के एंड तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक आ जाएगा अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। एंड इस गेम के अंदर काफ़ी अच्छा म्यूज़िक भी होगा और ग्राफिक्स तो ओपी हैं। साथ साथ इस गेम का जो मॉन्यूमेंट और जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा हमको एंशिएंट इंडिया के फील करवाएगा, मतलब बिल्कुल ब्यूटीफुल एकदम ऑसम होगा बिल्कुल गेम ये। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि हम इस तरह इंडियन गेम्स को प्रमोट करते ही रहते हैं। और इसी तरह हमको इंडियन गेम्स को सपोर्ट करना चाहिए जो हमारे हिंदू कल्चर पर सेट हों और भी अच्छी गेम्स हों। So that's it. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Keep supporting, keep loving Indian games. I'm Play Tantra out.